यहोवा टैगोर पब्लिक स्कूल नहीं मान रहा उपायुक्त के आदेश। उपायुक्त के आदेश के सरेआम उड़ाई धज्जियां। स्कूल में छुट्टी के आदेश होने के बावजूद भी लगाए जा रहे स्कूल। प्रशासन ऐसे स्कूल के खिलाफ कार्यवाही करने में नाकाम। बता दें, उपायुक्त ने प्रदूषण और स्कैम के दृष्टिगत जिला के सभी सरकारी निजी सरकारी सहायता प्राप्त प्राइमरी से 12वीं तक स्कूल को 4 व 5 नवंबर को अवकाश घोषित करने के आदेश दिए हैं। उपायुक्त सरकार उक्त दिनों सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इन आदेशों की पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने जिला के नागरिकों से अपील की कि इन दिनों लोग घर से बाहर ना निकलें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। उन्होंने सभी से यह भी अनुरोध किया कि नागरिकों को भी 2 दिन पहले वाहनों को चलाने से भी बचना चाहिए। अति आवश्यक है तो वाहन को चलाएं। वहीं पिहोवा से सोमवार को सुबह ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। जिला कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके से AQI 401 रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिहोवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। धीरे धीरे इसकी कम होने की संभावनाएं जताई जा रही है। सरकार ने सभी स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं 2 दिन की, और हमारे ज़िले में भी छुट्टी है। सभी स्कूल बंद हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है उसके खिलाफ विभाग एक्शन लेगा, कार्रवाई हो जाएगी। एक्शन कब लिया जाएगा, जब स्कूल खुल जाएंगे? एक्शन आज ही लेंगे, आज ही इसका कार्रवाई। स्कूल ऐसे जो बिल्कुल शर्म दजिए उड़ा रहे हैं DC की, आज ही जैसे ही क्या कार्रवाई की जाएगी? मुझे सूचना मिलेगी, मैं तुरंत इस पर कार्रवाई कर दूँगा। सूचना आपके पास कई काफी मध्य से आ चुकी है, लेकिन अभी तक आपने क्या? अभी तक एक भी स्कूल किसी अभिभावक की रिटर्न एप्लीकेशन मेरे पास नहीं आई है कि फला स्कूल खुला है। अगर ऐसा पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करके रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। सर, DC साहब के आदेश थे कि स्कूलों की सभी की, पूरे हरियाणा की या वैसे तो, कि छुट्टी के आदेश 2 दिन के दिए हुए हैं, उसके बावजूद भी आपका स्कूल उनके आदेशों का उल्लंघन कर रहा है, क्या बोलोगे इस चीज़ के बारे में आप? सर, एक्चुअल में क्या हुआ कि मैं पिछले 4-5 दिन से बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन था जी। रात मैसेज मुझे लेट मिला जी, क्योंकि DC साहब के जो आदेशों की कॉपी व्हाट्सएप पे भी आई, वो रात को लगभग 8:30 बजे के बाद पहुंची जी, DO के माध्यम से जी। और मैं उस समय कसौली में था जी, वहाँ पे था। उसके बाद मैं सुबह लेट पहुँचा जी, और लेट जब पहुँचा तो स्कूल के बच्चे आ चुके थे जी। उनको वापस अगर हम भेजते तो हमें ये भी खतरा रहता है कि बच्चे सड़कों पर आवारा गर्दी करते रहेंगे। और फिर दूसरी तरफ मौसम को देखते हुए कि मौसम ठीक लगा इसलिए स्कूल में कैरी हो गया। तो बाकी स्कूलों ने सर, उनको भी तो मैसेज उसी वक्त मिला जो ऐसे में आप लोगों को मैसेज मिला? उनको भी उसी वक्त मिला, परंतु मैं आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से उस मैसेज को अपने किसी स्टाफ मेंबर को किसी को कन्वे नहीं कर। तो बाकी मैनेजमेंट, मान लिया आप नहीं हो तो फिर स्कूल के बारे में? तो मैनेजमेंट जो है सर, हमारे जो हेड ऑफिस में बैठते हैं जी, उसके बारे में वो बता सकते हैं अगर आप मुझसे मिलो तो। सर, स्कूल के नंबर से मैसेज गए हैं कि अभी कोई छुट्टी नहीं है सर, जबकि उनको पता था कि छुट्टी है। मेरे यहाँ के किसी भी नंबर से ऐसा कोई मैसेज नहीं है। हो सकता है दूसरे स्कूल के, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता सर, वो इंडिविजुअल प्रिंसिपल बैठे हैं वहाँ पे, उसके बारे में मैं कोई भी अपने तथ्य। तो सर, आपको क्या लगता है वैसे आदेशों के उल्लंघन तो है? हाँ, आदेशों की उल्लंघन है सर, परंतु मैंने रीजन बताया कि मैं यहाँ ना होने की वजह से, मुझे जब रात को मिला व्हाट्सएप बंद था, सुबह मैंने उसको चलने से पहले देखा,